सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर टाइम्स ऑन भारत आपको दिखाने जा रहा है, जहां पर सिद्दीकी हत्याकांड के चश्मदीद से खास बातचीत की है। चश्मदीद से नव भारत की एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखाएंगे। आतिशबाजी के बीच गोलियां वहां पर चली है और जिन लोगों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा उनसे टाइम्स ऑन भारत ने बात की। सुशांत सिद्दीकी का ऑफिस यहीं पर है, यहीं से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे और बाहर निकलने के बाद जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तब जो है वो गोली चली, ऐसी खबर थी। भाई साहब मुझे बताइए कितने बजे के आसपास की घटना हुई? 9:30 बजे। तो क्या कुछ हुआ, कैसे, क्या आपने देखा, क्या भगदड़ हुई कुछ? आप देवी भी आ रही थी, सब नाच गाना कर ही रहे थे, उसके बीच में ये सब हुआ। अच्छा, तो कहां से देवी कहां से आ गई थी? देवी दोनों तरफ से, इस रोड से भी आ रही थी, उस तरफ से भी आ रही थी। अच्छा, और आतिशबाजी पटाखे भी छूट रहे थे, उसमें ये समझ में नहीं आया क्या हो गया। ये तो जब ऑफिस वाले भाग के आए, वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई, तो बाद में पता चला कि उनको लग गई है। तो कितनी भीड़ होगी यहाँ, कितने लोग थे, ज्यादा लोग थे? कम दो दो 3-4 हजार तो होंगे यहाँ। इतनी भीड़ थी? भीड़ नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ, 10-15 जन थे। और जो भीड़ आप बोलो उसमें क्या ये जुलूस की भीड़ थी जो विसर्जन के लिए निकली हुई थी? हाँ, वो भीड़। तो ये जब और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज आवाज सुनाई थी? नहीं, लोगों को लगा फटाकरी फूट रही, भाई ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अफरा तफरी मची? हाँ, 10 मिनट में तो सब मौसम ही खराब हो गए। ये है कि जो कुछ हुआ गलत। आप अक्सर वहाँ पर दफ्तर में चाय पहुँचाया करते थे, आखिरी बार आपने कभी बाबा को देखा था कभी? आज ही देखे थे, 5-6 बजे आए थे तभी। कल शाम को? हाँ, अंदर बैठे भी थे, वो भी थे, उनके लड़के भी थे। चाय पी? हाँ, चाय गई थी ना, कम से कम चाय तो हमेशा जाती ही है, उस टाइम भी गई थी। और यहाँ पे जो आसपास लोग थे उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि ऐसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, हमें खुद नहीं हुआ, उनके ऑफिस वाले को नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। कैसे पता चला? फिर वो जो मांगने वाले थे वो लोग यहाँ से भागे कि क्या हुआ? उनको तो हम देख नहीं पाए, हम तो दुकान पे थे। वो तो ऑफिस वाले जब बाहर निकल के भागे, वहाँ से 2-4 जन चिल्लाते हुए आए कि भाई कुछ हो गया कुछ, तब ऑफिस वाले भी भागे तो मैं भी यहाँ से बाहर गया देखने। ठीक, मैं तो अपने दुकान पे ही खड़ा था, यहीं खड़ा था। आपका तफरी का माहौल था? हाँ। तो आपने सुना, एक चश्मदीदों में से एक जिसने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ, और खास तौर से उसी वक्त एक जुलूस निकल रहा था। दुर्गा माता का यहाँ पर एक पंडाल है, वो पंडाल से मूर्ति विसर्जन के लिए निकल गई थी। जुलूस के दौरान जो है पटाखे छोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो गई थी, और यही वजह है कि जब गोलियां चली तब इस वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। लोगों को लगा आतिशबाजी हो गई है, जब लोगों ने बाबा सिद्दीकी को खून से सना हुआ देखा तब उन्हें समझ में आया कि ऐसी वारदात हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय गंजीत के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत। और नव भारत ने एक और चश्मदीद से खास बातचीत की है, उसने नव भारत से बातचीत में क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देवी के विसर्जन के लिए पंडाल से मूर्तियां निकालकर हम लोग गाजे बाजे के साथ सब आ रहे थे। ये सामने राम मंदिर है, यहाँ पे राम मंदिर के थोड़ा पहले ही थे हम लोग वहाँ पे, घटनास्थल से करीब मेरे ख्याल से 50-60 मीटर की दूरी पर जी। और वहाँ पे हम लोग नाच गा रहे थे, सारे ढोल मांजरे सब बज रहे थे, लोग विसर्जन दुर्गा माता के साथ में चल रहे थे नाचते गाते हुए। अचानक जो जहाँ घटनास्थल है वहाँ से लोग भागते हुए इस तरफ ट्रक की तरफ आए, जहाँ पे आप लोगों की तरफ आए? हाँ, हमारी तरफ आए, और उन्होंने कहा कि चलो चलो भागो भागो, यहाँ फायरिंग हो गई है। तो किसी को कुछ समझ नहीं आया और सब अफरा तफरी में फिर सब लोग अपने अपने घरों की तरफ भागना शुरू। यहाँ पर 6 राउंड गोलियां चली तो क्या उसकी कोई आवाज आई? क्या पटाखे बज रहे थे तो किसी को कुछ समझ नहीं आया समय की फायरिंग हुई है या क्या हुई है, बट वो जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष जो इस करीब में थे एकदम, तो वो भागते हुए हमारी तरफ आए। उसी समय पटाखे भी छूट गए? उसी समय पटाखे काफी देर तक पटाखे भी बजते रहे थे। तो उसके बाद में यहाँ पर पुलिस आ गई होगी? हाँ, उसके बाद सारी पुलिस तो अगल बगल में घूम ही रहे थे, बट उसके बाद में जब ये इस तरह का माहौल बना तो सारे जब भगदड़ हुई तो सारे फिर पुलिस वगैरह भी आ गए, फिर हम लोग भी अपने घरों की तरफ बच्चों को लेकर के भागना शुरू। तो आपने सुना चश्मदीद को, नव भारत ने एक और चश्मदीद से जिससे बात की थी उसने सब कुछ आंखों देखी अपनी बताई और कहा कि कैसे इस भीड़ भाड़ के बीच, इतनी शोर के बीच यहां पर जो शूटर्स हैं तीनों, उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर शूट किया है,
फायर किया है और उसके बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। चश्मदीदों ने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ उन्होंने टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर बताया और कैसे वहां पर भगदड़ मच जाने के बाद वहां से लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। लेकिन पटाखों का शोर वहां पर इतना ज्यादा था, म्यूजिक इतना लाउड था कि किसी को भी उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ पर गोली चली है, वहां से लोग बचते हुए और भागते हुए नजर आए। इस बीच बड़ी खबर, शूटर नंबर वन के घर पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची। हरियाणा के कैथल का रहने वाला था शूटर गुरमेल। नवभारत के कैमरे पर शूटर नंबर वन का घर कैद हुआ है और इस शूटर के घर पर पहुंचने वाला टाइम्स नाउ नवभारत एक पहला चैनल है। शूटर के घर तक टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची और वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग जो मौजूद थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की और भी जानकारी इस शूटर के बारे में जुटाने की कोशिश की गई। हरियाणा के कैथल में स्थित ये घर गुरमेल का, जो कि तीन शूटर्स में से एक है, और उसी शूटर के घर पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है। तीनों शूटर्स की पहचान कर ली गई है, वही तीनों शूटर्स जिन्होंने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया है, उन पर गोलियां चलाई हैं। तीनों शूटर्स के बारे में जानकारी पुलिस की टीम जुटा चुकी है और तीनों जो शूटर्स हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं और उसी कस्टडी में। पूछताछ के दौरान इन तीनों शूटर्स ने ये बात कबूली है कि उन्हें पहले ही पेमेंट कर दी गई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये लोग ताल्लुक रखते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये तीनों शूटर्स, यही वो तीनों शूटर्स हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया है, गोलियां उन पर बरसाई हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पहले शूटर का ये घर। गुरमेल की क्या लगते हो? दादी। अच्छा, कब से गुरमेल यहाँ रहता है? नहीं रहता गुरमेल ना तो उठा था, तीन चार महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा का गया, मन्ना को सब बताया का गया था। अच्छा, पांच में तो घर भी थे, अड़ंगा गेरन जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं करा तो गया था, करा ना कर ना मार दौरा फोन ना मार दौरा करते ना माम करते। अब आप कब से रह रहे हो यहाँ? यहाँ कब से रह रहे हो आप? कितने दिन हो गए आपको आए को यहाँ? कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? कितने हो गए हैं नूरा गांव में? गांव में नहीं आया हो आप? आप मैं तो उड़ी रहूँ, मैं कट जाऊँ ना तो एक मेरा पोता 12-13 साल गुरमेल ना चार दिन नहीं होगा उसका गाय मान ना नहीं हो कुछ भी कह गया मैं नहीं सुना सुनता भी नहीं। हाँ, जो गुरमेल है कितने भाई हैं, कितने बहन है? वो तो एक को था बाप का। अच्छा, हाँ अकेला ही था। बहन कितनी है? बहन को नहीं उसका। अच्छा, अकेला ही? उसका बाप मर गया था, वह छोटे का बिठिया दी थी। हाँ। छोटे के ना क्या है कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा, मैं हूँ भी। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ। हाँ? साल पहले, पहले भी जेल गया था, क्या मामला था? वो जेल में गया था, उस नबाई नबाई मार रहा था, उसके गला था वो जहाँ तक गया था जेल में। तो बाहर आया था जमान? तो बाहर मानना नहीं बेरा, किसी ने कटाया किसी ने ना कटाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर के। इस वक्त एक और बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मर्डर की जिम्मेदारी ली है। जो सलमान की मदद करेगा उसका यही हाल होगा। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, बिश्नोई गैंग ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है। हमने कभी भी पहला वार नहीं किया है। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाबा सिद्दीकी की मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ले ली गई है। इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट किया है, जो भी सलमान की मदद करेगा उसका यही हाल होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, हमने कभी भी पहला वार नहीं किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पोस्ट में इन सभी बातों का जिक्र किया गया।